नमस्कार, कठपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर। जी हां, बीएसटीसी 2022 को लेकर एक अपडेट सामने आ रही है और इस अपडेट के सामने आने के बाद में यहां पर जो सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे थे उनको जरूर निराशा लगने वाली है, क्योंकि यहां पर डेट बढ़ा दी गई है। और किसकी डेट बढ़ाई है? फर्स्ट लिस्ट में जिसका नाम आया था उसके लिए यहां पर काउंसलिंग की डेट बढ़ा दी गई है। यानी कि कौन सी डेट? जो आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने थे, ऑनलाइन जो अपलोड करवाने थे, कॉलेज रिपोर्टिंग जो करवानी थी, उसकी डेट को यहां पर बढ़ा दिया गया है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। नोटिस यहां पर सामने आया है, सुबह ही एक वीडियो डाला था, उसमें क्या है, उस तब तक तो क्या है कि डेट नहीं बढ़ी थी, इसलिए वीडियो डाला था कि सेकंड लिस्ट कब तक आएगी। लेकिन अब शाम को फिर से नोटिस देखने को मिल रहा है साइट पर, और साइट पर जैसे ही नोटिस आया है आपके सामने वीडियो लेकर उपस्थित हूं। जी हां, नोटिस में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में हम बात करेंगे, और किस हिसाब से आपकी प्रोसेस होने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। किस किस को यहां पर अपवार्ड मूवमेंट, जी हां अपवार्ड मूवमेंट की डेट भी बढ़ा दी गई है। तो काफी विद्यार्थी जिन्होंने अपवार्ड मूवमेंट नहीं करवाया, कॉलेज से संतुष्ट नहीं है, एक मौका फिर से दिया गया है, आप कॉलेज अपना चेंज कर सकते हैं अपवार्ड मूवमेंट के माध्यम से। अपवार्ड मूवमेंट आपको मित्र पे केवल आपको ऑनलाइन करना है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, तो ध्यान रहे वीडियो में आप अंत तक बने रहे। तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बात करते हैं यहां पर बीएसटीसी 2022। सबसे पहला नोटिस है आपका 6 फरवरी, एक तिथि याद कर लीजिए आप, 6 फरवरी 2023। जिस भी विद्यार्थी ने 13,555 रुपए फीस जमा करवा दी है ई मित्र पर, जिसका अलॉटमेंट हुआ फर्स्ट लिस्ट में, कॉलेज अलॉट हुआ, उसके बाद में आपको 13,555 रुपए फीस जमा करवानी थी, जिसने भी जमा करवा रखी है उसको, मतलब कि जिसने अभी तक कॉलेज में क्या करनी करवाए, डॉक्यूमेंट्स जो आपका रिपोर्टिंग होता है, या फिर अपने मित्र पे आपको कॉलेज के जो डॉक्यूमेंट्स, आपके जो डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड नहीं करवाए हैं, तो कोई समस्या आ रही थी किसी कारणवश आपने कोई डॉक्यूमेंट्स कम रह गया था, ऐसी कोई समस्या थी, क्योंकि 3,000 लोगों ने, या मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट में अलॉटमेंट आने के बाद में भी रिपोर्टिंग नहीं करवाई, 3,000 प्लस लोगों ने यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं करवाई है, तो उनको यहाँ पे मौका दिया गया एक। और 6 फरवरी 2023 अंतिम तिथि होने वाली है, एक बार फिर से मौका मिला है, जिसने केवल 13,555 रुपए फीस जमा करवा रखी है उनके लिए, जिसने फीस जमा नहीं करवाई है उसके लिए मौका नहीं दिया गया। नोटिस में आप देख सकते हैं अलग से इस चीज के बारे में लिखा हुआ है। तो 6 फरवरी 2023 आपके लिए डेट है। अपवार्ड मूवमेंट करवाने वाले भी अपवार्ड मूवमेंट करवा सकते हैं, जिसका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था, ये चीज़ आप ध्यान रखें। और कॉलेज रिपोर्टिंग करवा रखी है उनको यहाँ पे मौका दिया गया, कॉलेज रिपोर्टिंग जिसने भी फीस जमा करवा रखी है उनको करवानी है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो नोटिस था आपके लिए बीएसटीसी 2022 को लेकर, 6 फरवरी तक कोई भी सेकंड लिस्ट नहीं देखने को मिलेगी, 6 फरवरी के बाद में यानी कि लगभग 8 या 9 फरवरी तक आपको लिस्ट देखने को मिलेगी सेकंड लिस्ट, और अपवार्ड मूवमेंट का रिजल्ट भी उसी में देखने को मिलेगा। तो अपडेट थी बीएसटीसी 2022 को, यहां पर एक डेट एक्सटेंड हुई है, फिर से मौका मिला है यहां पर कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने का, जिसका फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो चुका है, जिसने 13,555 रुपए फीस जमा करवा रखी है। कंफ्यूज नहीं होना है, नया सेकंड लिस्ट वालों का कोई नोटिस नहीं आया है, आने वाले समय में जब भी नोटिस आएगा आपको वीडियो मिल जाएगा। सुबह भी एक वीडियो बनाया था कट ऑफ को लेकर, उसको भी देख लेना आप कि किन किन का नंबर आ सकता है, कितना कम हो सकता है, कितनी संख्या में काउंसलिंग हुई है, कितने ने अलॉटमेंट मिला और कितनी सीटें खाली हैं, चीज़ों के बारे में आपको बता दिया। तो ध्यान रहे आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। फिर से बता रहा हूं, अपवार्ड मूवमेंट का एक बार फिर से मौका दिया गया, जिस जो भी अपनी कॉलेज से संतुष्ट नहीं है वो अपवार्ड मूवमेंट करवा सकते हैं, मित्र के माध्यम से करवाएंगे। 6 फरवरी इस डेट ये अंतिम तिथि होने वाली है, ये चीज आप ध्यान रखें। यूजर आईडी लॉगिन के माध्यम से करवा सकते हैं। तो आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कोई सवाल है तो चैनल पर कमेंट कर देना, आपको जो मिल जाएगा। थैंक यू।